फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत टेक्निकल। अब मैं हूं अनुज। आज मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब की 2021 की न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूट्यूब अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को 2021 में चेंज कर रहा है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक बटन को प्रेस करना ना भूले। अगर आपको मेरा चैनल या मेरी वीडियोस पसंद आए तो उन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताऊंगा कि हमारे यूट्यूब के मोनेटाइजेशन पॉलिसी की जर्नी कैसी रही है। मींस कैसे कैसे, कौन कौन से ईयर्स में हमारी यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को चेंज किया है। 2015 से पहले हमारे YouTube की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी थी वो ये थी, जो भी बंदा अपने नए चैनल से फर्स्ट वीडियो डालता था, फर्स्ट वीडियो डालते ही उसके चैनल का मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता था और यूं कहें उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती थी। 2015 के बाद में जो YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी चेंज की, उसमें जो रूल चेंज किया वो ये था कि जैसे ही हमारे 10,000 व्यूज़ कंप्लीट होते थे, हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था मोनेटाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद 2018 में यूट्यूब ने फिर अपनी पॉलिसी चेंज करी और जो नया क्राइटेरिया रखा यूट्यूबर्स के लिए मोनेटाइजेशन का, वो ये रखा मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 पब्लिक वॉच आवर्स। ये दोनों क्राइटेरिया जो फुलफिल करेगा उसी का चैनल मोनेटाइज होगा। सो गाइज, अब हम बात करेंगे 2021 की यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में। बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूट्यूब अपनी पॉलिसी चेंज करने जा रहा है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी को चेंज करने वाला है 2021 में। क्या ये न्यूज़ सही है, क्या ये जस्ट एक रूमर्स है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब की जो पॉलिसी है 2021 की, उसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस यूट्यूब की तरफ से नहीं आई है। जो भी न्यूज़ हमारी YouTube पे चल रही है, जो भी हमारे यूट्यूबर्स क्रिएटर्स न्यूज़ दिखा रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं रिलेटेड टू मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2021, वो सारी बिल्कुल अनऑफिशियल है, वो सिर्फ एक गैस या यूं कहीं एक रूमर्स है। तो जो नई न्यूज़ निकल के आ रही है रिलेटेड टू मोनेटाइजेशन, वो है कि अब किसी भी यूट्यूबर को अपने चैनल को मोनेटाइजेशन ऑन कराने के लिए उसे 10,000 सब्सक्राइबर और 5,000 पब्लिक वॉच आवर्स की आवश्यकता पड़ेगी। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितनी नॉलेज मैं रखता हूँ यूट्यूब की, मेरे हिसाब से 99.99% ये खबर बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक इम्पॉसिबल सा टास्क है, स्पेशली एक न्यू यूट्यूबर्स के लिए या जो बंदे बहुत थोड़े सब्सक्राइबर के साथ में यूट्यूब पर सर्वाइव कर रहे हैं, उनके लिए इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा। बट मैं आपको बता दूं, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर का टारगेट अगर YouTube रखेगी, उतनी ही ज़्यादा अर्निंग से बंदा स्टार्टअप करेगा। तो ये जो अगर रूल है, जो ये चेंज होने वाला है, जिसकी ऐसी खबरें आ रही है, अगर ये 0.1% YouTube अपनी पॉलिसी चेंज करती भी है, तो मैं आपको इसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव साइड दिखाता हूँ। इसकी नेगेटिव साइड क्या है, ये एक इम्पॉसिबल सा टारगेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अभी हमारा जो क्राइटेरिया है वो 1000 सब्सक्राइबर का है और 4000 घंटे वॉच आवर्स का है, जो अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है न्यू यूट्यूबर्स के लिए। अब जो हमारा नई पॉलिसी आ सकती है, जिसके चांस 0.1% है, उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, पॉजिटिव साइड भी बताऊंगा। 0.1% हम मान के चलते हैं कि YouTube ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, तो उसका जो पॉजिटिव साइड होगी वो क्या होगी, वो ये होगी जो भी हमारा यूट्यूबर है, पहले वो अपनी अर्निंग बहुत थोड़ी करता था। क्यों? क्योंकि उसका जो चैनल है वो 1000 सब्सक्राइबर पे मोनेटाइज हो जाता था, तो उसकी जो अर्निंग स्टार्ट होती थी बहुत थोड़ी होती थी। बट अगर YouTube अपना जो टारगेट है वो हमारा 10,000 सब्सक्राइबर का रख देता है मोनेटाइजेशन का, तो जो भी बंदे का चैनल मोनेटाइज होगा, उसकी जो स्टार्टअप होगा अर्निंग का मोनेटाइजेशन होने के बाद, एक अच्छा खासा स्टार्टअप उसका होगा, जो एक अच्छी न्यूज़ होगी उसके लिए, जो एक अच्छा उसके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन होगा। आपको क्या लगता है कि जो YouTube है हमारी 2021 में अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जो टारगेट है वो 10,000 सब्सक्राइबर और 5,000 पब्लिक आर्स का रखेगा?
आप मुझे इस बारे में जरूर बताइए कमेंट करके। और हाँ, ऐसी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ रिलेटेड टू यूट्यूब, रिलेटेड टू टेक्निकल वर्ल्ड, रिलेटेड टू अनबॉक्सिंग, रिलेटेड टू फोन का रिव्यू। किसी भी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पे जरूर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।